बनारस, जिसे वाराणसी या काशी विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन शहर, जिसे भगवान शिव की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके चलते हैं भारत के सबसे ऐतिहासिक और प्राचीन शहर बनारस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मैश डायरीज। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं बनारस और ये है बनारस का रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं बनारस के रेलवे स्टेशन से और इसके बाद मैं आपको बनारस के सारे फेमस जगह पर ले चलूँगा, जैसे दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर। बनारस या वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बसा ये शहर, जिसे काशी विश्वनाथ की नगरी भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में पवित्र नगरों में से एक है। फ्रेंड्स, वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी काशी विश्वनाथ मंदिर से एक अटूट रिश्ता है और सबसे इम्पोर्टेंट, ये शहर नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ और उसके बाद हम गंगा स्नान करने के बाद सीधा मंदिर में चलेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर। तो चलिए घाट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये है बनारस का सबसे फेमस घाट, दशाश्वमेध घाट। फ्रेंड्स, वैसे तो बनारस में 88 घाट हैं, लेकिन 80 घाट, दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट सबसे फेमस हैं और ये है दशाश्वमेध घाट। फ्रेंड्स, दशाश्वमेध घाट के लिए बहुत सही मान्यताएं हैं, ऐसा माना जाता है और नाम से भी पता चलता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ दशाश्वमेध यज्ञ किया था। तब से यह एक धार्मिक स्थल बन चुका है और यहाँ कई तरह के अनुष्ठान भी किए जाते हैं। फ्रेंड्स, बनारस में हर घाट पे गंगा आरती देखने का एक अद्भुत ही नज़ारा होता है, उसी तरह दशाश्वमेध घाट भी गंगा आरती के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ हर शाम को गंगा आरती का आयोजन किया जाता है और बोट राइड का भी आनंद लेते हैं। दोस्तों, बनारस में बोट राइड का आनंद लेना और बोट राइड के ज़रिए आप सभी घाटों को देखना बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई एम श्योर जब आप यहाँ आएंगे तो आपको भी इसका बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा बनारस के घाटों का बोट राइड के ज़रिए। फ्रेंड्स, ये है दशाश्वमेध भवन। यहाँ पे लोग गंगा स्नान से पहले या गंगा स्नान के बाद कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। ये ओपन एरिया है, एक व्यू सा बनाया गया है दशाश्वमेध घाट का, सेल्फी पॉइंट बोल सकते हैं जिसको, कि दशाश्वमेध घाट की पहचान क्या है। और ये इस लोकेशन को देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बनाया गया है ताकि अगर श्रद्धालु ज़्यादा भीड़ में घाट पर ना रुक पाए तो वो यहाँ इस लोकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम भी अब गंगा स्नान कर चुके हैं और सीधे चलते हैं मंदिर की तरफ। फ्रेंड्स, मैंने सुबह से देखा हुआ है कि मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालुओं ने काफ़ी लंबी लाइन लगा रखी है और हर गेट पे, यहाँ पे मंदिर के लिए चार गेट हैं, गेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और सारे गेट पे ही काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं के लिए। ये है पूरा मार्केट और हम चलते हैं मार्केट होते हुए मंदिर की तरफ और आपको दिखाते हैं मार्केट और मंदिर का दृश्य, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है आप इस वीडियो में देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, बनारस सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए ही फेमस नहीं है, यहाँ से बहुत ही ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। शास्त्रीय संगीत बनारस से है, इतना ही नहीं, भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी से ही रहे हैं, जिनमें कबीर, रविदास, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और गोस्वामी तुलसीदास बनारस से ही जुड़े हैं और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस भी यहीं लिखी थी। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मंदिर की गेट पे और चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं मंदिर से जुड़ी बातें। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और बहुत ही खूबसूरती से इस मंदिर को रेनोवेट किया गया है। एक बहुत ही खूबसूरत कॉरिडोर बनाया गया है जो सीधा गंगा नदी से मिलता है। हर हर महादेव दोस्तों, बाबा के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं 80 घाट की तरफ। फ्रेंड्स, दशाश्वमेध घाट की तरह 80 घाट भी गंगा आरती के लिए बहुत फेमस है और आज शाम की गंगा आरती हम 80 घाट पे ही करेंगे।
फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अस्सी घाट और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से लोग इकट्ठा हो चुके हैं गंगा आरती का आनंद उठाने के लिए। फ्रेंड्स, हम बात करें अस्सी घाट की तो कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पे कवि तुलसीदास का निधन हुआ था। फ्रेंड्स, शाम को अस्सी घाट पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है क्योंकि अस्सी घाट पे एक सनसेट व्यू देखने को भी मिलता है। फ्रेंड्स, कितनी भीड़ होने लगी है शाम की गंगा आरती के लिए, नाव पे और सामने मुख्य भवन की सीढ़ियों पर भी काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। फ्रेंड्स, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह ही सारे मंदिरों की छवि बनाई गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक मंदिर ये है। फ्रेंड्स, बनारस में मोस्टली जितने भी मंदिर हैं उनमें आपको एक ही छवि देखने को मिलेगी, काशी विश्वनाथ मंदिर की छवि। ऐसा ही एक मंदिर ये भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही बना हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं बनारस की तो बनारस या वाराणसी सिर्फ कल्चरल या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिर म्यूजिक के लिए ही मशहूर नहीं है, ये एजुकेशन के लिए भी मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ BHU की। बनारस में भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, बनारस के लिए बहुत सारी बातें फेमस हुई हैं, लेकिन एक जाने माने सेलिब्रिटी या ऑथर मार्क ट्वेन जब इंडिया विजिट के लिए आए थे तो उन्होंने बनारस को डिस्क्राइब करते हुए कहा था, द सिटी एज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लेजेंड। मतलब बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है, लेजेंड से भी प्राचीन है। फ्रेंड्स, ये सामने क्रूज चल रहे हैं बनारस में, आप क्रूज की राइड भी इंजॉय कर सकते हैं जिससे आप सारे घाटों का दृश्य देख सकते हैं। फ्रेंड्स, गंगा आरती का वक्त हो गया है। तो देखा आपने फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत बनारस और कितनी खूबसूरत यहाँ की गंगा आरती। आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ आया हूँ और बाबा के दर्शन करे, साथ ही गंगा आरती का भी आनंद उठाया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी जल्दी बनारस आइए यहाँ गंगा आरती और बाबा के दर्शन के लिए। थैंक यू।